जो एक फूलन देवी, एक फूलन देवी थी और आज कई फूलन देवी जो है घुमाया जाता है, और सीमा 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 करके उसका प्रचार किया जाता है। उस वक्त भी गवर्नमेंट को नंगा करके मार रहे हो, बलात्कार कर रहे हो। कौन है वैसी दरिंदे हैं, इनका क्या करोगे, कुछ करो। तुम्हारी कहाँ है सरकार और कहाँ है बाकी पुलिस, कहाँ है फोर्स और कहाँ बैठी है ये हमारी राष्ट्रपति महोदया, समझे? चश्मा लगा के बैठी रहती टुकुर टुकुर, कहा क्या राष्ट्रपति हो तुम भाई, है राष्ट्रपति शासन लगाओ पूरे देश में। मैं बहन बेटियों की इज्जत है जो निर्वस्त करके जो लूटा जा रहा है, ये वापिस आ जाएगी क्या? तो मणिपुर मामले पर पंडित ने फूट फूट कर रो पड़े, जिसको देखते हुए आपका दिल भी रो पड़ेगा। तो पंडित विजय शर्मा का क्या कहना है, आइए देखते हैं। 36 सेकंड की पीड़ा थी, इतना ढीट, इतना निकम्मा, इतना बेशरम, अनपढ़ कि मैं क्या ही बोलूं। सरेआम दो महिलाओं को आज से करीब 60 से 65 दिन पहले ये घटना हुआ। मैंने देखा प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर की तुलना छत्तीसगढ़ और राजस्थान बंगाल से भी की, लेकिन क्या आपको लगता है कि अपना ठीकरा फोड़ना सही था? उन बच्चियों को न्याय मिला, उसमें से एक बच्ची जिंदा है और एक बच्ची मर चुकी है। पूरे निर्भया के लिए हमारे सभी भाई लोग कैंडल लेके निकलना निकले थे, आज भी मैं वो उम्मीद रखता था। इस देश में यहाँ की बेटियों को नंगा घुमाया जाता है और सीमा 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 करके उसका प्रचार किया जाता है। ये सरकार की साजिश है कि वहाँ का इंटरनेट बंद कर देना, वहाँ के उग्रवादियों को हथियार देना जो सेना के पास हैं। तुम कहते हो कि तुम्हारे फोन से रसिया यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है, यहाँ तुम्हारी नीति पारी 56 इंच की छाती, जिस माँ ने उनको जन्म दिया होगा, कुछ माँ से पूछो। उन मणिपुर में 15 साल का बच्चा 47 साल की महिला का निकलता है, वो सेना का जवान मीडिया में अपनी बात कहते हुए कहता है कि मैं कारगिल के युद्ध में लड़ा हूँ और वहाँ मेरे मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पा रहा हूँ। 15 साल का बच्चा, ये बच्चा कहे या हैवान कहे या दरिंदगी कहे, लेकिन उसके अंदर ये हैवान ये दरिंदगी किसने लाई? बात है, भारत में बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सबको डूब के मर जाना चाहिए। और एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के जितने भी मर्द हैं, मैं इनसे अपील करती हूँ, जो मणिपुर में जो घटना घटी है, जो एक फूलन देवी थी और आज कई फूलन देवी जो है नग्न घुमाई जा रही है, ये एक एक महिला के, ये समझ लीजिए इनकी बहन बेटी जो है नंगी घुमाई जा रही है, ये समझ लीजिए इनकी आने वाली पीढ़ी नंगी घुमाई जा रही है। अगर ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज अगर सरकारों का मुंह देखता रहा, तो 2024 के बाद अगर ये बीजेपी आती है, हिंदू राष्ट्र बनता है, तो हिंदू राष्ट्र का नमूना आपको मणिपुर में दिखा दिया गया है। किस तरीके से हजार लोग में से एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो उसके तन ढक सके, और इनके इनके भाई बहन एससी एसटी ओबीसी के क्या क्या कहां घुसे हुए हैं, कौन सी चूड़ियां पहने हुए हैं। तुम ब्राह्मणवाद तुम्हारे दिमागों में बैठा हुआ है, तुम हिंदू बन जाओ, चूड़ियां पहन लो और कह दो कि हम औरतों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, ताकि हम औरतें तलवार चलाना सीख ले और घर में रोटी चूल्हा छोड़कर मजबूर मत करो कि दोबारा जलकारी बाई बने, हमें मजबूर मत करो कि दोबारा सावित्री बाई फूलन देवी बने, हमें मजबूर मत करो कि हर बेटी मायावती बने। तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगी, इसके साथ साथ मणिपुर मामले पर नंदा भाई राजपूत ने पूरे गोदी मीडिया के साथ साथ पीएम मोदी को भी जवाब दिया है, जिसे सुनने के बाद आप भी खुश हो जाओगे। भारत माताओं को नंगा करके मार रहे हो, बलात्कार कर रहे हो, कौन है वैसी दरिंदे हैं, इनका क्या करोगे, कुछ करो। तुम्हारी कहाँ है सरकार और कहाँ है बाकी पुलिस, कहाँ है फोर्स और कहाँ बैठी है ये हमारी राष्ट्रपति महोदया, समझे? चश्मा लगा के बैठी रहती टुकुर टुकुर, कहा क्या राष्ट्रपति हो तुम भाई, है राष्ट्रपति शासन लगाओ पूरे देश में। अगर तुम में है थोड़ा सा भी महिलाओं के लिए, अगर हो तुम महिला, अगर वाकई तुम महिला हो, तो महिलाओं के हक और अधिकार के लिए खड़ी हो जाओ, मणिपुर को बचाओ। अरे जला दी तुमने जमीन, दुनिया भर की चर्चें जला दी, कोई बात नहीं है, मकान जला दिया कोई बात नहीं, अरे मकान बन जाएंगे, चर्च बन जाएंगे, मंदिर बन जाएंगे, मस्जिद बन जाए। मैं बहन बेटियों की इज्जत है जो निर्वस्त करके जो लूटा जा रहा है, ये वापिस आ जाएगी क्या? ये देश के नाम पर कलंक है, समझे? दुनिया भर की, और ये तुम जैसे अब आने वाले तो हो नहीं,
मैं देश की जनता से आवाम से अपील करता हूँ, अगर मैं अकेला आदमी तुम्हारे लिए इतनी बातें कर सकता हूँ, चिल्ला सकता हूँ, देशवासियों चिल्लाओ, आवाज उठाओ अपनी जगह। एक ऐसे भैंसी दरिंदों की सरकार आ गई है जो धर्म का फिर ठिकाना, धर्म ये कहता है कि बहन बेटियों को निर्वस्त करो, किसी की बहन बेटियों को, उनकी इज्जत लूटो और फिर उनको मार दो, उनके गुप्तांगों को काटो, ये चलता है, ये है तुम्हारा धर्म, ये खून खोल रहा है। और मैं क्या कर सकता हूँ बताओ मुझे, मेरे हाथ में सत्ता शासन होता ना, ऐसे लोग खड़े कर करके मरवा देता मैं, तोप से बनवा बनवा के मरवाता सालों को, समझे। अगर मैं देश का कुछ भी होता, थोड़ी जी मेरे हाथ में ताकत होती तो इन्हें औकात दिखा देता सालों को,